लाव है जिसमें हम फार्मिंग शुरू की है, सीड स्टॉक के लिए बनाए हैं। ये सब 20 ग्राम से ऊपर हो गया है। इस तरह से जो है मछली एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है खाना खाने के लिए। 5 HP का देखिए, यहाँ पर 2 HP का एक लगा हुआ है, एक एक HP का 3 लगा हुआ है। इधर दिखाएंगे इस साइड। हाँ, ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम यहाँ पर हसनपुरा शंकरपुर ब्लॉक में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। हमारे फौजी भाई हैं गगन जी, इनके पास। इससे पहले मैं यहाँ का वीडियो जो है एक अपलोड किया था, जिसमें पूरा आप मिट्टी मिट्टी देखते होंगे यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर जो है फुल कंप्लीट सेटअप जो है तैयार हो चुका है और यहाँ पर फार्मिंग शुरू हो गया है। तो मैं सोचा कि एक बार आपको इसका वीडियो बना करके दे दूँ। तो क्या नाम हुआ आपका? गगन प्रकाश। गगन प्रकाश जी, कहाँ से आप, किस फौज से रिटायर हैं? इंडियन आर्मी से। हाँ, इंडियन आर्मी से रिटायर है। आर्मी से, BSF से, CRPF से और CISF से, ये सभी मिला करके लगभग 90 आदमी पूरे भारत में मेरे साथ काम कर रहे हैं और सब बहुत ही अच्छा और बहुत ही अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। अपना खुद का इंडिपेंडेंट होकर के फौज में काम किए, उसके बाद हमारे साथ मिलकर के भी यहाँ एक हम लोग ग्रुप बनाए हुए, उस ग्रुप में जो है सो वो पूरा शामिल है और बहुत बढ़िया जो है सो सब जगह रिजल्ट आ रहा है, सब जगह अपना अच्छा कमाई कर रहे हैं। तो मैं गगन भाई से भी उम्मीद रखता हूँ कि ये भी बढ़िया से काम करे और बढ़िया अच्छा पैसा कमाए, ताकि जो है हमारा नाम भी ऊँचा हो जाए और ये भी अपना जो है सो परिवार जो है लेकर के बढ़िया खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो अभी मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक नंबर पॉन्ड है। इधर आइए, इधर से दिखाइए, घुमा के पूरा ऐसे धीरे से घुमा। ये एक नंबर पॉन्ड है, इसका साफ सफाई चल रहा है, वहाँ पर साफ सफाई चल रहा है। थोड़ा सा काई वगैरह हो गया था, तो एक महीना हो गया है। इसके में अभी 240 लाइन का बच्चा डाले थे, जो अभी जो है सो लगभग जो है सो 20 ग्राम का हो गया है, 20 ग्राम 25 ग्राम का हो गया है। यहाँ देखिए एक पंप लगा हुआ है, चारों तरफ कैमरा से लेस है और ऊपर बर्ड नेट लगा हुआ है, ऊपर जो है बर्ड नेट लगा हुआ है, बगल में चारों तरफ ग्रीन नेट से घेरा हुआ है। ऐसे घुमाइए, उधर देखें, पूरा ग्रीन नेट से घेरा हुआ है। और यहाँ पर जो है टोटल 6 पॉन्ड बनाए हैं, छोटा छोटा करके, मतलब 6 पॉन्ड है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो अभी इसमें जो है आपको कितना लागत आया है, क्या है नहीं है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, देखिए जो कि ये सफाई चल रहा है, इसलिए इसमें भोजन नहीं देंगे, उसके बाद इसका सफाई होगा, इसलिए इसको भोजन नहीं दे रहे, अभी आगे वाला में हम भोजन देंगे। अभी ये देखिए उधर पानी चल रहा है, रिसाइकल मोड, रिसाइकल मोड किस प्रकार होता है, थोड़ा इधर आइए दिखाएंगे। ये सबसे पहला टैंक देखिए कितना ऊंचा है और उसमें जब फुल पानी भर देते हैं तो कम से कम 12 घंटा तक पानी चलता रहेगा। लाइट नहीं भी है तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अभी एक नंबर सफाई हो रहा है इसलिए दूसरा में डाल रहे हैं, तो दूसरा में जो है तो इसमें पानी आ रहा है और यहाँ देखिए किस प्रकार गिर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से दूसरा टैंक से यहाँ गिर रहा है, इसको थोड़ा ऊंचा कर दें ताकि पानी देरी तक जो है तो गिरता रहे। ये बाउंड्री के साथ ये पूरा बाउंड्री और ये जो है कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ, ऊपर से बढ़ने सोलर प्लांट और प्लस जो है एरिएशन सिस्टम सब सुदृढ़ है। तो ये दिखाइए यहाँ पर बढ़िया से दिखा दीजिए, उस साइड दिखाइए, एरिएशन चल रहा है पूरा इसमें और उस तरह से जो सोलर से ही अभी जो है वो पानी सोलर से चल रहा है, मेरा सोलर से ही चल रहा है ना। हाँ सोलर, हाँ सोलर से चल रहा है और कितना स्पीड में चल रहा है। अगर आप सोलर लगाते हैं दिन भर आपका बिजली 0 आएगा, लेकिन एक बार आपका खर्च होगा। एक बार सोलर लगाने में कितना पैसा लगा सर आपका? 1,75,000 रुपया लगा। अभी मैं इसको फीडिंग कराऊंगा, आप देखिएगा कि मछली किस प्रकार से फीड लेता है। देखिए आ गया है मछली, अभी जो है इसमें देखिए ये आना शुरू हो गया है और किस तरह से फीड लेता है।
ये सब 20 ग्राम से ऊपर हो गया है और यहाँ जो है बहुत ही उम्दा तरीके से फार्म को हमारे गगन भाई जो है डील कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है मछली फीड ले रहा है नजदीक। तीन नंबर टैंक है और तीन नंबर टैंक से जो है चार नंबर टैंक में पानी जो है फिल्टर के माध्यम से जाता है। ये हमारा जो है दूसरा एक सीड स्टॉक पॉइंट है जहां हम सीड स्टॉक करते हैं। ये हमारा तीन नंबर जो टैंक है उससे यहां आता है फिल्टर प्लांट। देखिए यहां पर ये फिल्टर प्लांट है, आज इसमें जाल वगैरह लगाएंगे हम। ये फिल्टर प्लांट जो है सुचालू हो गया है और इसका सफाई हो गया। सफाई के लिए जाल को निकाले थे, अभी सफाई करेंगे और इसको आराम से जो है देखिए यहाँ से पानी एक नंबर से दो नंबर में आता है, दो नंबर से तीन नंबर और तीन नंबर से देखिए यहाँ पर पानी जो है किस तरह से पानी गिर रहा है इसमें और रेडिएशन भी चारों तरफ चल रहा है। पूरा टैंक यहाँ से देखिए अभी हम इसमें फीडिंग करा के दिखाएंगे। देखिए किस तरह से फीडिंग ले रहा है। देखिए ये पूरे में अमूर कॉमन कार्प और पंगेसियस का फार्मिंग हो रहा है और ये जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मछली एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है खाना खाने के लिए। देखिए यहाँ पे सोलर प्लांट का भी सुविधा है, जो देखिए सोलर प्लांट लगा हुआ है। दिन भर आपका लाइट जो है चलता रहेगा और सोलर से जो है सो आपका पूरा काम जो है चलेगा और रात में आपको बिजली जब सोलर लाइट चला जाएगा तो सोलर का काम बंद हो जाएगा, तब आप अपना जो है एक नंबर टैंक में फुल पानी करके आप जो है छोड़ दीजिएगा तो आपका आराम से रात भर पानी चलता रहेगा और आराम से आप इसको फार्मिंग कर सकते हैं। सोलर प्लांट लगाने में कितना पैसा लगा आपको? 1,75,000 लगा। 1,75,000 रुपया एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कितना साल चलेगा ये? 25 साल के लिए चलेगा। मोटर का 5 साल का गारंटी है। मोटर का 5 साल का गारंटी है और 25 साल का इसका 25 साल का गारंटी है। अब आप बताइए कि 25 साल में कितना बिजली बिल आएगा अगर दिन भर इसको चलाते हैं और शाम के टाइम में एक नंबर टैंक को अगर स्टॉक कर लेंगे तो रात भर चलेगा। 10 बजे करते हैं तो 4 बजे तक चलता है, पानी चलता रहता है और रिसाइकल होता रहता है। इससे क्या हो जाता है कि पानी का क्वालिटी बेहतर रहता है और इसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं आता है। आपने देखा भी किस प्रकार जो है मछली इसमें हम जो है सो दाना दिए तो किस प्रकार से भोजन उठा रहा है। तो अभी मैं गगन भाई से जानना चाहता हूं कि मेरे साथ मिल करके जब से ये फार्मिंग कर रहे हैं तो हमसे किस प्रकार का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए मैं जब से शुरू किया हूं, एक्चुअली मैं जब से रिटायर हुआ तो सर के साथ मेरा एक महीना बाद जो है बातचीत हुआ था, उसके बाद पूरा सेटअप में सर ही सहयोग किया है। मैं सिर्फ काम किया हूँ, बाकी पूरा पहले आए डायग्राम बना के गए, फिर आए तो पूरा अंदर जो है पाइप बिछाने का काम हुआ वो सब सर आके किए, फिर उसके बाद एरिएशन का काम हुआ वो सर ही आके किए हैं। सर में सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी फ़ोन कीजिएगा तो सर तुरंत अटेंड करते हैं। अगर कहीं ट्रेनिंग में हो, कहीं बाहर है, नहीं अटेंड कर पाए तो फिर बाद में आपका कॉल देख के आपको अटेंड करेंगे। और सबसे इससे भी बड़ी बात ये है कि जब भी कोई छोटी सी समस्या आए तो सर आ करके उस समस्या का समाधान करके जाता है, जो ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये आपके साथ है तो आपको फार्मिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए होते हैं उसको कोई ना कोई समस्या आता ही है, अगर समस्या का समाधान मिल जाए तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी काम जो ये इतना बड़ा सेटअप लगाया है तो काम करने के लिए ही लगाया है, लेकिन उसको सही रास्ता मिलना चाहिए। तो सर के पास ऐसा ऐसा रास्ता है कि आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। थैंक यू। तो जो हमारे पास में 550 फार्मर अभी एक्टिव वे में है,
और सबको सहयोग कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे से बन पा रहा है वहाँ तक मैं सबको सहयोग करता हूँ। और भी जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि वो अच्छा से काम करें, और मैं जब तक रहूँगा तब तक उनको सहयोग करते रहूँगा। दूसरा क्या है कि जो लोग फेल हो गए, जो बायोफ्लॉक में फेल हो गए, जो अब पॉन्ड कल्चर में फेल हो गए, जो पॉन्ड कल्चर ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आदमी मेरे से संपर्क करके और अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी एरिएशन सिस्टम को दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो एरिएशन सिस्टम हम बैठाए हैं, इसमें बहुत ही कम एचपी का इस्तेमाल किए। कितना लाख लीटर है आपका, इसको बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। थोड़ा देर के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। अभी यहाँ से आप कहीं भी जाइएगा तो आपको क्या करेंगे, तो मेरे सामने बदल तो मतलब क्या करेंगे कि 5-5 एचपी का चार मोटर, क्योंकि यहाँ पर 40 लाख लीटर के ऊपर पानी। कितना पानी है आपका, 35 लाख लीटर, 35-40 लाख लीटर। अगर फुल करेंगे तो 40 लाख लीटर आएगा। 40 लाख लीटर पानी में कम से कम आपको 5 एचपी का चार मोटर चाहिए, तभी जाके आपका फार्मिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जो हम रिसाइकल मोड कर दिए हैं, इसके वजह से सिर्फ 5 एचपी का, देखिए यहाँ पर 2 एचपी का एक लगा हुआ है, एक एचपी का 3 लगा हुआ है, इधर दिखाइए जी सर, हाँ ये 3 लगा हुआ है, और इससे आपका कंट्रोलिंग हो रहा है। आज भी हमने डीओ चेक किया है तो उसमें हमारा 7 डीओ निकला है, 7 डीओ जो है आया, जबकि ये रात से बंद था, सुबह के टाइम में हम चेक किए थे। अगर एरिएशन चला करके करेंगे तो 12 और 14 आपका लगभग 14 जो है डीओ लेवल पूरता है। अगर 6 घंटा लाइट घट भी गया, कट भी गया, तो आपका धीरे धीरे घटने में यानी 4-6 आने में कम से कम 5-6 घंटा लगेगा, तब तक आपका लाइट फिर से आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कैपेसिटी करें, तब आपका फायदा होगा। और फिल्टर प्लांट, जैसे कचरा है इसको फिल्टर प्लांट के माध्यम से इसको हम उधर देते हैं मास्टर टैंक में, और मास्टर टैंक से फिर हम 1 नंबर टैंक में ले जाते हैं, ताकि पानी हमारा रोटेट होता रहे, पानी चलता रहे। इससे मछली में ग्रोथ का भी फर्क पड़ेगा, ग्रोथ भी ज़्यादा आएगा, और आपका डीओ लेवल पूरा रहेगा। इसमें अमोनिया कभी नहीं बढ़ेगा, NO2 नहीं कभी बढ़ेगा, आपका अल्किनिटी कभी नहीं बढ़ेगा। अल्किनिटी भी आपका 150 यानी 120 से 160 तक सीमित रहेगा। तो इस तरह का काम करने से आपको आप अच्छा काम कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत उन्नति पा सकते हैं। इसके लिए आपको सही जगह जाना और सही चीज़ को जो है सो तलाशना है, जो कहाँ से मुझे सही गाइडेंस मिल पाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है आने का, लेकिन आप उस जगह पर जाइए जहाँ से आपको सही गाइडेंस, सही जानकारी मिले। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जो सर के साथ आपको फार्मिंग करने में मज़ा आएगा, वो आपको हो सकता है और भी कहीं आपको मज़ा आए, लेकिन आपको मैं जो महसूस करता हूँ, आपको सर के साथ अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा और रिस्पांस भी आएगा और आपका काम भी सही होगा और अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर से इधर से दिखाइए, एक बार दिखाइए पूरा प्लांट किस तरह से जो है सेटिंग किया हुआ है पूरा। अच्छा तुरंत आप घूमेंगे, साफ दिखाइए एक बार, प्लांट फिर से दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से सुसज्जित और सुंदर ढंग से इसको जो है सो बनाया गया है, और इसमें जो है सो कोई भी आदमी आएगा देखने के लिए तो देख करके ही मन हर्षित हो जाएगा, और अच्छा भी लगता है, और कॉस्ट भी बहुत कम लगा, यानी कि 10 लाख में पूरा सेटअप जो है ये तैयार हो गया। 10 लाख हार्डली जो है सो इसमें लगा है, और बाकी ऐसे तो खर्च करने के लिए आप 50 लाख भी खर्च कर दीजिए तो अलग चीज़ है, लेकिन इसको बनाने में 8-10 लाख रुपये आपको लगेगा अगर इस टाइप का सेटअप बनाते हैं। तो इतना ही बोल करके मैं बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।